हेलो फ्रेंड्स, तो आइए आज हम देखेंगे सीमेंस कंपनी के जो स्टार डेल्टा कनेक्शन जो है इसके बारे में देखेंगे, इस तरह से इसका वायरिंग किया जाता है। तो फ्रेंड्स आइए हम चलिए देख लेते हैं क्या है फटाफट। तो फ्रेंड्स ये हमारा रिले है, तो रिले के बाद में समझेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा तीन टू मेन गियर आर वाई एंड बी, और देखिए इससे होते हुए हमारा सीमेंस का जो कॉन्टेक्ट है यहाँ गया है कॉन्टेक्ट में, और मेन कॉन्टेक्ट में फिर वहाँ से स्टार कॉन्टेक्ट में किया, फिर यहाँ से डेल्टा कॉन्टेक्ट में लुक किया हुआ, और ये जो नीचे से आउट हुआ वो स्टार में लुक किया हुआ। देखिए 50 का कॉन्टेक्टर लगा हुआ 3TF50 50 एम्पीयर का कॉन्टेक्ट है, और ये 3TF37 का कॉन्टेक्ट है। फ्रेंड्स इसके रेटिंग देख लीजिए अच्छे से। ये हमारा टाइमर सीमेंस कंपनी का, ये हमारा 6 एम्पियर का MCB है, 6 CC का भी देख सकते हैं। ये भी सीमेंस है, ये पूरा सीमेंस का ही स्टार डेल्टा स्टार्टर जो बनाया वो ये पूरा सीमेंस कंपनी का है। ये हमारा रिलो है, ये भी हमारा सीमेंस कंपनी की रिले है, देख सकते हैं। ये हमारा कंट्रोल वायरिंग फ्रेंड्स, कंट्रोल वायरिंग हम कॉपी में समझाएंगे फ्रेंड्स, फिर भी ऊपर मैं समझा दे रहा हूँ हल्का फुल्का, ऐसे मैं दिखा दे रहा हूँ समझा। ये फ्रेंड्स हमारा ये P22 और ये P11 जो है हम देखेंगे ये कहाँ गया। ये हमारा फ्रेंड्स ये जो P11 है हमारा, देखिए 97 में इन हुआ है और 98 से P22 ऊपर आउट हुआ है, और ये देखिए P11 जो है 97 में जो इन हुआ है, ये हमारा ये देखिए एनो बटन जो है ये देख सकते हैं, ये जो रेड वाला स्टॉप बटन यहाँ से इन हुआ है, इसमें से आया है, और हमारा 97 में लगा है, और 22 है जो P22 हमारा, ये हमारा लाइट का है, हमारा ट्रिपिंग का जो ट्रिपिंग लाइट है उसमें ये है, और P30 जो है P13 है जो 96 में, ये हमारा देखिए MCB के पास ये हमारा P30 यहाँ से इन हुआ है, फिर इधर से लुक होकर P40 होकर निकला है, P40 देख लेते कहाँ गया। देखिए ये P30 होकर निकला, अब P40 हुआ, और P40 हमारा देखिए मेन कॉन्टेक्टर का जो नीचे वाला है ये देख सकते हैं, यहाँ आया ये हमारा एनो पॉइंट है, मेन कॉन्टेक्टर का एनो में आया, फिर वहाँ से एक और गया फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब ये देखेंगे P28 जो 95 से निकला है, और ये हमारा आकर स्टॉप पुश बटन में आउट साइड में लगा है, और हम चलते हैं यहाँ से देखते हैं पी जो 19 है 19 है, ये क्या है। पी हमारा पी जो 19 है एनओ से हमारा मेन कॉन्टेक्टर से एनओ से निकला है, और इंडिकेटर में हमारा गया होगा, ये देखिए P19 यहाँ आया है, हमारा ऑन का इंडिकेटर में आया है, और मेन कॉन्टेक्टर में जो P15 लगा है यहीं से देखते चलते हैं। ये हमारा देखिए यहीं से आकर हमारा मेन कॉन्टेक्टर का ही एनओ से आया है, और यहाँ एनओ में लगा है देखिए P15, ये देखिए यहाँ से आया है, फिर यहाँ से P14 हो गया उधर
ये देखिए P11 और P23 जो है, तो देख लीजिए P11 जो है हमारा न्यूट्रल है, हमारा MCB से आया है। ये देखिए P11 जो है ये, और ये P23 होकर आउट हुआ है, देख लीजिए। और ये हमारा ग्रीन लाइट, यहाँ देखिए ये इंडिकेटर है लगा हुआ, देख सकते हैं ऑफ का इंडिकेटर भी ये लगा है। मेन कॉन्ट्रेक्टर के जो है इसका हो गया, अब जो स्टार कॉन्ट्रेक्टर उसका देख लेते, ये P17 और P18 ये देख लेते हैं। P17 जो है फ्रेंड्स, ये हमारा टाइमर का एनो में आया, ये देख सकते हैं यहाँ एनो लिखा हुआ है। दिख नहीं पा रहा है, नहीं है, ये देख सकते हैं एनो है, P17 एनो में आया, और एनो से एनो में आया, और NC से जो आउट हुआ है P16 बोर्ड पर आउट हुआ है। और ये आया है हमारा स्टार कॉन्ट्रेक्टर का NC में, और ये लूप हो गया है, और यहाँ से P15 होकर निकला है। और ये हमारा गया है जो डेल्टा मेन कॉन्ट्रेक्टर का एक यहाँ NO में आया है। और ये हमारा देखिए जो 18 नंबर है, देख सकते हैं अठारह नंबर NC से निकल के आया है, स्टार कॉन्ट्रेक्ट में ये डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर का NC से निकल के आया है, और स्टार कॉन्ट्रेक्टर की एक कॉइल में लगा हुआ है। देखिए कॉइल वोल्टेज ये 230 50 Hz कॉइल में हमारा, ये देख सकते हैं अच्छे से 18 नंबर पर लगा है। और ये जो N1 है जो ये न्यूट्रल है, ये सब में दिया हुआ है, इसी का भी कॉइल में हमारा ये मेन स्टार को डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर का भी, मेन कॉन्ट्रेक्टर का और स्टार का भी, और ये हमारे टाइमर का भी N1 देखिए ये A2 में दिया हुआ है कॉइल का। अब ये हमारे स्टार कॉन्ट्रेक्टर का हो गया फ्रेंड्स, अब हम ये डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर का हो गया, और स्टार कॉन्ट्रेक्टर का देख लेते हैं। स्टार कॉन्ट्रेक्टर में 21 है NC में, आउट में इसका है 20 इधर 19 और यहाँ 15 है। 21 नंबर देख लेते हैं कहाँ गया है। 21 नंबर जैसे कि हमारा NO में NC में जो स्टार का NC से हमारा 21 नंबर जो है डेल्टा का कॉइल में गया है, और जो 20 नंबर है टाइमर से आया है, टाइमर से होकर स्टार का NO में फिर NC में आया है। और जो ये P1 है, P19 है, P19 हम देखे थे फ्रेंड्स इंडिकेटर में, देख सकते हैं इंडिकेटर में P15 जो है हमारा मेन कॉन्ट्रेक्टर का NO से आया हुआ है NO से, और इधर में लूप है, और उसके बाद हमारे यहाँ आया है P15, और तीनों में सबका NC में दिया हुआ है। देखिए इसके NO में इंटरलॉक दिया हुआ है। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, अब हम टाइमर में देखते हैं टाइमर में क्या है। 15 है, 15 तो जानते हैं हमारा कहाँ से आया, इसका स्टार का NC से, स्टार के NO से, और डेल्टा का NC से, और मेन कॉन्ट्रेक्टर का हमारा NO से आया है। और ये हमारा 16 नंबर जो है टाइमर का हमारा डेल्टा कॉन्ट्रेक्टर का NC में आया हुआ है। और 20 नंबर 17 नंबर ये न्यूट्रल है, और ये 17 नंबर हम देखे थे फ्रेंड्स कहाँ पर है, जो है हमारा डेल्टा का NC में, ऊपर वाला जो है NC में। और 20 नंबर जो हमारा यहीं पर है स्टार का NC में, ये देखिए यहाँ से न्यूट्रल देख लीजिए। और ये फेज है,
P1 जो है हम फेज देखे थे, यहाँ फेज है सब जगह दिया हुआ है। P1 देख लीजिए, देखिए ये न्यूट्रल है, ये N1 और ये N1 सब में दिया हुआ है। हमारा P12 यहाँ आया हुआ है 95 में, जो ये हमारा P1 जो है फेज, ये देख सकते हैं यहाँ से, ये जो है यहाँ पर आया P11 होकर आया है, और फिर यहाँ से हमारा जो है P11 जो है 97 में लगा हुआ। इसको ध्यान से बारीकी से देखना होगा फ्रेंड्स, तभी समझ में आएगा अच्छे से। फ्रेंड्स हम जान रहे थे पी जो 13 है, ये P13 यहाँ से लूप होकर यहाँ P14 बन गया, और P14 बनकर एक इधर गया है, P14 बनकर ये हमारा जो मेन कॉन्टेक्टर का NO में आया है, फिर यहाँ से निकल कर यहाँ हमारा जो स्टॉप बटन है, अरे स्टार्ट बटन जो है इसका हमारा इन साइड हुआ है, फिर आउट साइड में P15 होकर निकल गया है। P15 हम जाने कहाँ कहाँ गया है। फ्रेंड्स हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे देखते रहिए और समझते रहिए। तो धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ हमारा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए।